भगवान आज तो लूमिना के घर पे पार्टी भी है और मॉम डैड पता नहीं कहाँ पे चले गए हैं, तो अब मैं घर को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। बेटा देखो हम आ गए। डैड थैंक गॉड कि आप आ गए। हाँ ये कौन है दी, कैसी हो आप? कौन है मामा? बेटा ये तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन को नहीं पहचानती, इंडिया से आई है। गॉड सोफिया इतनी बड़ी हो गई। गुडनेस मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम कितनी बड़ी हो गई मेरी प्यारी सिस्टर। हाँ दीदी सोचा कि अब सोफिया को ज़्यादा दिन तक इंडिया में रहना नहीं चाहिए, अब हमारे साथ फैमिली के साथ में अब हमारी सोफिया रहेगी। मॉम डैड ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी प्यारी छोटी बहन यहाँ पर रहेगी, मैं सबको अपनी छोटी बहन के बारे में बताऊँगी। ज़रूर बताना, अभी मुझे ना एक ऑफिस के एक अर्जेंट काम के लिए वापस जाना है तो मैं चलता हूँ। बस मैं एयरपोर्ट तक गया था सोफिया को लेने, ठीक है? बाय डैडी। बाय डैड। प्यारे बच्चों, बेटा तुम ना सोफिया को सब कुछ दिखा दो, अपना घर दिखा दो, बाहर गार्डन वार्डन में घुमा देना, अपनी दोस्तों से भी मिलवा लेना, पर हाँ ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी अमेरिका के बारे में ज़्यादा जानती नहीं है ना। आप चिंता ना करो, मैं सब कुछ दिखा दूँगी। चलो मेरी छोटी बहन तुम्हें मैं तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। दी अंदर आ जाओ सोफिया, ये है तुम्हारा कमरा। वाह दीदी ये तो काफ़ी बड़ा है। क्या क्या यहाँ पे तुम्हारे सोने के लिए एक बड़ा सा बेड है और ये हमारी पेट किटी है ब्लिसा जो कि यहीं पे ज़्यादातर रहती है, और ये है तुम्हारा साइड टेबल। टेबल के ही बगल में एक कबर्ड है जिसके अंदर तुम्हारे बहुत सारे कपड़े हैं, नेकलेस सेट है, नीचे मेकअप एंड टायरीज है, और नीचे शूज कलेक्शन, यहाँ पे सन ग्लासेस, बैंगल्स एंड यहाँ पे कपड़े हैं। कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। हाँ सी, और यहाँ पे तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल है। ये सच में यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, इंडिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओह हाँ हाँ मैं जानती हूँ इंडिया कितना बोरिंग जगह है ना। मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है। रोमिना हाउ आर यू? अच्छा ओके ओके, तो जस्ट तुम्हारी पार्टी के बारे में भूल ही गई थी। एक्चुअली मैं ना मेरी एक सिस्टर आई है इंडिया से, तो मैं उससे तुम्हें पार्क में आकर मिलवाती हूँ। ओके ठीक है, फिर वहीं से पार्क से हम लोग पार्टी में चलेंगे। ओके मैं बस अभी आई। दीदी और कुछ भी तो नहीं, एक बेस्ट फ्रेंड है लोमिना तो उसके घर पे, तो ये देखो मेरी छोटी बहन यहाँ पे है, ये पार्क जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ। दीदी ये पार्क तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाँ ये लोमिना पता नहीं कहाँ पर रह गई है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, पहले ही बोल रही थी कि पार्टी के लिए लेट हो रहा है और अब देखो खुद ही गायब है। जैस्मिन वो आ गई। जैस्मिन कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? ये है मेरी छोटी बहन। ओह हेलो, मैं हूँ सोफिया। हाँ मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ, इसने अपने इंस्टाग्राम पे बताया था जैस्मिन ने। हाँ मुझे पता है, तो चलो पार्टी के लिए लेट हो रहा है हमें। वेल ये सब तो ठीक है, बट मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जैस्मिन इधर आना ज़रा। जी मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, बट एक्चुअली मैं ना तुम्हें तो पता ही कि मेरे पार्टी में कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग आते हैं, तो एक्चुअली मैं अपना इंसल्ट नहीं करवाना चाहती तुम्हारी बहन को ले जाकर, देखा वो कितनी मतलब मामूली टाइप की है, इसलिए सॉरी मत बोलो। मुझे पता है कि मेरी बहन कैसी है, मैं उसे यहीं पर रोक के रखती हूँ, हम दोनों चलते पार्टी में। अच्छा तुम अपनी बहन से बात कर लो। ओके पार्टी में वो एक्चुअली में ना तुम ना यहीं पे पार्क में वेट कर लो, एक्चुअली मैं और लुमिना बस जा रहे हैं पार्टी में, मैं यहाँ पे अकेली रहूँगी, आप मुझे घर छोड़ दो, मैं घर पे चली जाऊँगी। पोग लड़की तुम्हें पता नहीं है कि हम कितने ज़्यादा ऑलरेडी तुम्हारी वजह से लेट हो गए हैं, चलो लुमिना यहाँ से, जैस्मिन यहाँ से रुको हाँ, और तुम स्केच बनाते रहना। पर दीदी अपना ध्यान रखना, चलो जल्दी से। कौन दीदी तो मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गई।
घंटा हो गया अभी तक दीदी वापस नहीं आई है। ओह नो, हम लोग उस साइड से आए थे, मैं उस साइड जाकर देखती हूँ। Okay. ये लीजिए आपका नोटबुक। थैंक यू सो मच। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। इंडिया से हूँ एक्चुअली, भी मैं यहाँ पे न्यू आई हूँ। वाओ, मैं भी इंडियन ही हूँ। सच में आप भी इंडियन ही हैं? हाँ, मैं भी इंडिया का ही हूँ, बट मैं यहाँ पे रहता हूँ। वाओ, तब तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, मेरा नाम जैक है और आपका? जी, मेरा नाम सोफिया है। वाओ, सो स्वीट, थैंक यू। से आप कहाँ पे रहती है? यहीं पे बगल में ही एक मतलब कि घर है, वहीं पे मैं रहती हूँ। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, ओके, बाय बाय। सोफिया, कितना प्यारा नाम है। मुझे यहाँ से जाना कहाँ पे है? हाँ, मैं अपने डैड के नाम से यहाँ पे किसी से पूछती हूँ। वाओ, आज तो पार्क में इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है, ऊपर से मेरा सेल्फी, वाओ कितना ज़्यादा अच्छा है। चीज, एक काम करती हूँ, मैं उस लड़की से पूछती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? तो जैस्मिन की बहन हो ना? अभी अभी इंडिया से आई है। क्या आप मेरी दीदी को जानती हो? हाँ, मैं जानती हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस इंस्टाग्रामर है और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की भी है। हाँ, मैं तुम्हारी बहन को जानती हूँ। क्या आप मुझे एक्चुअली भी ना, मेरी बहन ना किसी के साथ में, एक लुमिना नाम की लड़की के साथ में पार्टी करने गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला पार्क में बैठने के लिए, बट 4-5 घंटे हो गए, वो अभी तक आई नहीं है। तो क्या आप मुझे लुमिना दीदी का घर मतलब बता सकती हो कि कहाँ पर है? सच में तुम्हारी बहन से और उम्मीद भी क्या कर सकते, अपनी नई नवेली बहन को ऐसी ही कहीं पर छोड़ दी। उसका एड्रेस जानती हूँ मैं, तुम्हें बता सकती हूँ। ओह थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें देख के लगता है तुम अपनी बहन जैसे नहीं हो, तुम अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। आप जैसा समझे, मुझे कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे रही हो। मुझे आप मत बुलाओ, मुझे तुम बुलाओ। मेरा नाम प्रीति है। मेरा नाम सोफिया है। मेरे साथ चलो पार्क में कहीं घूमते हैं हम लोग साथ में, फिर तुम्हें मैं घर पर छोड़ दूँगी, तुम्हें पूरा अमेरिका दिखाती हूँ। ओके।